बाद जो मेरी मानसी को जज था जी, मैं तो भगवान था जी, मेरी मानसी के खिलाफ उसने इंसाफ दुआ। मैं तो उनको भी प्रार्थना करती हूँ भाई, ऐसा सजा उसको भी जिस तरह मेरी मानसी को दुआई उस तरह को भी दुआओ। जो कोई जो मेरी मानसी के खिलाफ रेप करता है उसको भी ऐसी फांसी की सजा दुआओ। बस यही चाहूँ जी हम तो। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दिनोदा की राम राम भाई। फिलहाल खड़े हाँ कुराड़ गांव में, और आज तो भाई साल डेढ़ साल पहला आए थे, या मेरे पीछे आप देखने लग रहे हैं बहुत भयानक जंगल होया करता। लेकिन भाई ई फिलहाल है देखने लग रहे पानी भर है, कि पार्क पूर्क बनाने का कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहा हाँ। जानकारी के लिए आपने बताया दें भाई, फिलहाल यहाँ पर भाई एक 8 साल की मानसी कुराड़ के साथ गांव के किसी लड़के ने भाई रेप किया था। जो मेरा पीछा देख ले रहे जंगल था, उस जंगल में भाई ले जाया गया, उसका रेप किया, उसको मारा गया और उसको भाई यहां पर जलाया गया। फिलहाल दिखाई दे भाई स्टेडियम की दीवार दिखाई दे, उस स्टेडियम की दीवार पर को बताया करते भाई, उस स्टेडियम की दीवार पर को 8 साल की एक बच्ची को भाई कुदाया गया था और जंगल में ले जाया गया था और उसका रेप किया गया था। भाई घर वाले ने कितना दुख सहन करना पड़ा होगा, आज साल डेढ़ साल की बात होगी, किस प्रकार के सदमे में तो वह लिकड़े होंगे। क्योंकि आज यानी कल बताऊं भाई, कोर्ट ने उस अपराधी को फांसी की सजा सुना दी है। मतलब ईव घर क्या ना थोड़ी राहत मिली होगी भाई, जो उनकी बेटी का अन्याय होया था आज उनकी वो न्याय मिल गया है। और ये फिलहाल भाई वह जगह फिलहाल दिखाई दिया, ईव उनका घर वाले हैं पास साल लांगे और भाई पूछांगे किस प्रकार का सदमे तो वह लिकड़ के आए हैं, के उनकी सहन करना पड़ा होगा। उनके जो परिवार वाले हैं माता पिता उनका पास में चल लांगे। और एक और बात बताऊं भाई, फिलहाल जिस टाइम आप ये लोग कुछ नहीं देखने लग रहे हो, साइड में जो वीडियो चलन लग रही है वो जंगल दिखावांगे, साइड में जो वीडियो में वो जंगल दिखने लग रहा है। यू वो जंगल था जिस प्रकार मानसी कुराड़ का यहाँ पर रेप करके उसको जिंदा जलाया गया था या मौतेगार उतारा गया था। फिलहाल चल रहा उनके घर वालों के पास। आप मानसी के पिताजी? मैं मानसी का पिताजी, ये जी मानसी की मम्मी जी। अच्छा जी, आज कितने टाइम हो गया मानसी को हमारे बीच से गए हुए? आज मानसी को हमारे बीच से गए 11 महीने के लगभग हो गए। अच्छा अच्छा, 11 महीने में मान के चलो कि 11 महीने हो गए कंप्लीट पूरे। अच्छा, अरे कानून फैसला आया है सेशन कोर्ट का? हाँ जी। कि फांसी की सज़ा जो उसको सुनाई गई है? देखो जी, जो सेशन कोर्ट का जो माननीय जो अपना कैथोलिक न्यायालय है उसका जो फैसला आया वो उसका गाँव की तरफ से उसको फैसले का स्वागत है। अच्छा, अरे ऐसे ऐसे अपराध जो करता है उसका फैसला यही होना चाहिए। तो कोर्ट ने फैसला दोषी को सजा ठीक टाइम पर और अच्छे तरीके से दी है। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस प्रक्रिया में आपको? देखो लिए मैंने मेरे लिए तो मकसद यही था कि दोषी को सजा दिलाई जाए। मेरे लिए कोई कठिनाई तो ना तो प्रशासन की तरफ से आई ना ही कोर्ट की तरफ से आई, मुझे कोई परेशानी नहीं। परेशानी मानसिक रूप से ज़रूर परेशान हो गया था मैं, वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं। जो गांव के लोग हैं उन्होंने सहारा दिया इस पूरे मामले प्रक्रिया में? देखो गांव के लोग तो छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग लग का सभी गांव के साथ थे। गांव वाले का पूरा सहयोग रहा हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में। और प्रशासन का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान ये रहा है कि उन्होंने मतलब प्रशासन ने अपना काम अपनी बच्ची समझ के किया और बहुत अच्छा काम किया प्रशासन ने। ऐसे ऐसे मामले जो देखने सुनने को हमारे जो देश में मिलते हैं हमें, क्या कहना चाहोगे इन सभी घटनाओं को? आप भी देखते होंगे जो डेली वेज आती रहती है आपके साथ, तो खुद हुआ ऐसा? देखो जी, पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे याद से ना ही हो तो अच्छा है, और ना ही ऐसे याद से देखने को मिले। ऐसे याद से होते भी हैं तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो मेरे बच्ची के खिलाफ मैंने अपराधी ने जो इन्होंने हरकत की थी उसके साथ जो माननीय अदालत ने और संविधान के तहत जो उसको सज़ा सुनाई गई है, तो ऐसे ही होना चाहिए उनके साथ भी। लोग जो कई बार है जो गुस्से में भी कई बार ऐसा होता है इन मामलों में या कोई और भी मामले हो उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पर जो इंसाफ है जो देखने को मिला है कि फांसी की सज़ा हुई है, विश्वास हुआ आपको कानून पे? देखो जी, हर एक इंसान का अपना अपना तर्क है। मुझे कानूनी प्रक्रिया पे विश्वास था तो मैं अपने कानून के हिसाब से चला। मैंने ऐसे कोई एग्रेसिव नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं की जो उनके अगेंस्ट जाए, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। हाँ कानून चलता ज़रूर है बरीकी से, पर चलता है अच्छी तरह।
ये खुद में बात मानता हूँ, खुद ही ये भी मैं भी बोलता था कि पहले कानून क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कानून है। आज विश्वास होगा? हाँ विश्वास है, कानून वाक्य में है। ऐसी मानसिकता लेके ना चले कि कानून कुछ नहीं है, कानून बहुत कुछ है। कानून जड़ से करेड़ता है और आखिर तक जाके छोड़ेगा, ऐसे बीच में नहीं छोड़ेगा। इस केस में आपने अच्छे से जाना और समझा होगा कि कानून कैसे काम करता है। देखो कानून तो हर एक पहलू पे, हर एक देख कानून, देखो जितनी मेरे को नॉलेज है मेरे को तो यही पता है कि कानून वाक्य में कुछ चीज़ है। ये भ्रम ना रखिए कानून कुछ नहीं है। कानून क्या? कानून आज आपने लड़ाई लड़ी ये 11 महीने, आपने ये तो आपने क्या, आपका विचार बताना, कानून कोई छोटा बड़ा धर्म जा देखता है? देख कानून, नहीं नहीं कानून ऐसा कुछ नहीं देखता। कानून निष्पक्षों के फैसला सुनाता है। कानून ये नहीं देखता है ये कौन है, कानून ये नहीं देखता है ये छोटा है बड़ा। कानून सबके लिए एक है, उसमें या गरीब तबका का हो या अपने आप को ये कहता हो कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, सबके लिए कानून एक है। इसमें कानून किसी में भी भेदभाव नहीं रखता। मेरे साथ तो रखा नहीं, वैसे जो मेरे साथ ही नहीं रखा तो वो किसी के साथ नहीं रखता होगा, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा जैसे ये जो अपराधी था, इसका आप ये कोई आपके साथ कोई था, कोई पुराना कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। यार अपराधी का कोई अपराधी होता है जो किसी भी को कहीं भी पनप सकता है, ऐसी बात नहीं होती। अपराध वो थोड़ी कर अपराध वो नहीं करेगा जिसके साथ दुश्मनी है। अपराधी तो कोई भी हो सकता है। अपराधी देखा ऐसी कुछ बात नहीं थी जो आप पूछ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो उसकी ऐसी घटिया मानसिकता थी जो उसने ऐसा किया मानसी के साथ, और इसका तो हम भी पूर्व जोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे। समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो आपने हाल फिलहाल की प्रक्रिया में देखा, जैसे छोटी बच्ची है उनको, जो उनके माँ बाप हैं या भाई बहन हैं या जो और भी यंगस्टर लोग हैं, उनके आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो जी पहली बात तो यह है, जो प्रशासन ने एविडेंस अदालत के सामने पेश किए हैं उसी के हिसाब से उसको दोषी ठहराया गया, उसी के आधार पे माननीय अदालत ने उसको सज़ा दी गई है। हम उसी जो सरकार ने प्रशासन ने चलान पेश किया, जो सबूत जुटाए, जो मैंने आई फैसल की रिपोर्ट आई, जो भी डॉक्टरी आई, उसी के आधार पर दोषी को सज़ा सुनाई गई है। और मैं समाज से यही अपील करूँगा कि ऐसी मानसिकता लेके ना चले। इन छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका? हाँ चल किसी के साथ मतभेद हैं वो भी मैं लड़ो, बैठ के सुलझाए जा सकते हैं, वो भी मैं बैठ के बातचीत करो, छोटा हो या बड़ा हो ये तो करने के लिए ये मैं कानून अपने हाथ में लेने की गलती कोई भी ना करे। उस गलती का एहसास तभी होता है जब उस पर वो वाक्य बीत जाता है, ऐसे तो पहले तो करते रहते हैं कुछ नहीं होगा। इस प्रक्रिया में आप दबाव भी बनाया गया समझौते का या कुछ ऐसा? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, इसमें समझौते का तो रीजन है ही नहीं ना। समझौते का तो इसमें मतलब कुछ भी कहीं भी, बहुत से केसों में हमने देखने को मिला है कि दबाव बना दिया जाता है इधर से उधर से, कुछ ऐसा देखो नहीं जी करने वाले करते होंगे। हमारे हमने तो ऐसा ना ही सोचा, ना ही डटे रहे, खड़े रहे। पहली बात तो ये ऑप्शन ही नहीं पैदा होता समझौते वाला, तो समझौते वाला तो इसमें कहीं भी ऑप्शन पैदा ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी तरफ से जो अक्यूज होते हैं, जो इसमें जो आरोपी होते हैं उनकी तरफ से कई बार नहीं, होता नहीं, है नहीं 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 ऐसा कुछ, लेकिन आपके मामले में नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, क्योंकि पूरा गांव आपके साथ खड़ा था। देखो जी गांव छोटे से लेकर बड़े तक मेरे साथ था, और गांव ही नहीं पूरा हरियाणा आपके साथ था। जिसके अंदर इंसानियत थी वो सब मेरे साथ था, और गांव ले लो हरियाणा प्रदेश ले लो या अदर स्टेट ले लो, वो इंसानियत के साथ था जो बच्ची के साथ हुआ उसके साथ साथ। मेरे को कम जानते हैं और बच्ची को जो साथ दर्दनाक घटना हुई थी उसको ज़्यादा जानते हैं। पूरे हरियाणा की बेटी बन चुकी है। हाँ जी तो है ये जी। माता जी से हम बात करना चाहेंगे। माता जी राम राम। मानसी की माता। आप मानसी की माता जी हो? हाँ जी। आपकी बेटी को लगा आज आपको कि इंसाफ मिल गया? हाँ जी मिल गया जी, मेरी बेटी को जो मेरे गांव राम ने साथ दिया मैं उनको धन्यवाद करती हूँ, जो मेरी सरकार ने साथ दिया उनको भी धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे मानसी के खिलाफ वकील था मैं तो उसको भी धन्यवाद करती हूँ। जो मानसी का जिसने जो केस लड़ा? हाँ केस लड़ा जी, उसको भी धन्यवाद। जो मेरी मानसी को जज था जी, मैं तो भगवान था जी, मेरी मानसी के खिलाफ उसने इंसाफ दुआ, मैं तो उनको भी प्रार्थना करती हूँ भाई ऐसा सजा उसको भी जिस तरह मेरी मानसी को दुआई उस तरह को भी दुआओ, जो कोई जो मेरी मानसी के खिलाफ
रेप करता उसको भी ऐसी फांसी की सजा दुआओ। बस यह चाहूँ जी हम तो इनको भी धन्यवाद करो, राम राम को, सरकार को, और जिसने मेरी बेटी का साथ दिया, मैं तो इनको सबको धन्यवाद करो। कानून पे विश्वास हुआ? हाँ जी, कानून पर विश्वास है जी हमें।